पंडित लक्ष्मी चंद की पहले कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ जो किस्से ने बेरा, मतलब कोई ऐसी कोई खास बात अगर आपको याद हो दादा लक्ष्मी चंद जी होगी तो प्लीज बताओ। अच्छा देखो मेरी बात सुनोगे, बड़े ही झटके की बात है। आप पंडित मांगे राम सांग करे था चुलाने और मैं ड्रामा पार्टी में था, 47 की बात है, मेरे अंदाजन है। ये कंगन आया उसका भाई, कहेंगे भाई मांगे तन्ने बुलाओ से, बाकी सारे बैठे हैं, मरण आला है। वो बैठ गया, मन थोड़ी देर में कहना गया भाई तू चल लगा, मैं कहा चाल पड़ूंगा चंद्रमान ने बोझ, भाई था उसका वहीं बैठा था हमारा चाल ड्रामे का, वो कहना भाई मैं नहीं चलता। तो मैं कंग वो पंडित जी कहें भाई मेरा गुरु मरा है और कंगन आ रहा मैंने लेन, भाई मैंने आज जाना पड़ा बोल नगर खेड़े की, जय जय बोलती हम तीनों तांगे में बैठ करके वहाँ चले गए। जाटी पंडित जी ने यो इशारा करा लक्ष्मी ने, पंडित जी ने दो चम्मच डाल दिए वो मर गया, मर गया। अच्छा दादा लक्ष्मी चंद जी ने पानी का इशारा कराया, कोई पानी पिला मेरे को, तो दादा मांगेराम जी ने जैसे ही दो चम्मच पानी पिलाया वो स्वर्ग से धार गए, दाह संस्कार कर दिया दादा लक्ष्मी चंद जी होगा। हाँ दाह संस्कार कर दिया, जब पंडित जी कहें चाल भाई राम सुता कहेंगे भाई चाल चलना, पंडित देवी राम बैठे थे वहाँ पर हावर के, काशी जी पास थे, विद्वान आदमी था वो, बना करता था भोग लाया करता लक्ष्मी का मांगे का। क्या नाम बताया? पंडित देवी राम। पंडित देवी राम, अब ये नई बात बताता हूँ। वो कहना मांगे, बाद में सरपंच भी रहा पर और का। अच्छा अच्छा, मैं जब थानेदार था तो मैंने वहाँ रेलवे स्टेशन पर मिले, कहेंगे रामसूप तू कैसे खड़ा है, मामा थानेदार हो गया वो रामसूप नहीं रहा। कहेंगे खाना वहाँ खाना तो मैं नहीं खा लिया, सिपाही तेरे पास नहीं मंगा, तो फिर खाना वहीं ले आता स्टेशन पर। अच्छा अच्छा, पर वो सरपंच बन गया था। वो कहना वही मांगे, मैंने दो चीज़ बनाई हैं इन्हें सुन ले बैठ के। तो उसने सुनाया, लख 84 ख़त्म हुई ना कोट कल्प युग चार गए, ना कम दमा लिया करें क्या, मरते मरते हार गए, मरते आना कौन राग नहीं बनाओ। ये पंडित देवी राम की बात है। वैसे इसमें दादा लक्ष्मी सिंह जी की छाप लगती है।